ऑल पार्टीज ऑफ करप्शन इतवार को होगी। ऑपोजिशन की एपीसी का एजेंडा सिर्फ लूटमार का तहफुज है। मौलाना को हलवा नहीं एहतसाब का जलवा दिखाई देगा। फियाजुल हसन चौहान की बेगम सफदर अवान पर भी तनकीद, कहा ऑपोजिशन चाहती थी कि इस बिल से नैब को निकाल दिया जाए। ऑपोजिशन की कुछ दो और कुछ लोग की पॉलिसी नाकाम रही है। ऑपोजिशन की सियासत का मकसद जाती मफादात का तहफुज है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं यही कहूँगा, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, इश्तिहारी और मफरूर अगर पॉलिटिकली रियासत के मामलात के अंदर इन्वॉल्वमेंट करेगा तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स और उसके जो रिपरकशंस हैं वो इंतहाई सख्त और नेगेटिव होंगे। ये मेरी बात सुन लें, ये नून लीग भी सुन लें, बेगम सफदर वान साहिबा भी सुन लें और नवाज शरीफ साहब भी सुन लें। बेगम सफदर अवान साहिबा भी मुजरिम हैं इस वक्त रियासत की, आइन की, कानून की और मुल्क के कानून की, और नवाज शरीफ साहब भी मुजरिम भी हैं और मफरूर भी हैं और इश्तिहारी भी हैं। उनकी तरफ से अगर कोई किसी किस्म की रियासत के खिलाफ, मुल्क के पुरअमन सियासी माहौल के हवाले से कोई नेगेटिव एक्टिविटी आएगी तो उसके रिपरकशंस जो है ना वो फिर संभाले नहीं जाएंगे।